हेलो नमस्ते, जय श्री कृष्ण आप सभी को। तो आज हम चलते हैं शिल्पग्राम महोत्सव, जो हमारे यहाँ 10 दिन का मेला लगता है शिल्पग्राम में, वहाँ आइए चलते हैं। स्कूल टूर वाले भूत बंगला है, जिसके बाहर हम लोग किसी का भी बर्थडे होता है बम फोड़ते हैं। इसके अंदर से एक आदमी दौड़ता हुआ आता, पता है यहाँ ताला लगा हुआ रहता है बाहर, तो अंदर से एक आदमी गाड़ी खड़ी रहती है अभी वो थमता उसमें। दुख के बर्थडे के दिन पुलिस वाले आ गए पकड़ने, मैं नवीन और साक्ष बैठे गाड़ी पे निकले इधर शौर्यगढ़ के पीछे वाले रास्ते में। हम पहुंच गए शिल्पग्राम पार्किंग में, देखिए यहाँ पे भी बच्चों के झूले लगे हुए हैं। गाड़ी खड़ी करी और अब हम चले शिल्पग्राम की ओर। ये आ गया है शिल्पग्राम का मेन गेट। ये देखिए यहाँ पे सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होते हैं, पूरा दिन चलते हैं इस जगह पर। जैसे आप मेन गेट से अंदर एंट्रेंस करेंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे नृत्य होते हैं जो हमारे राजस्थानी संस्कृति को दर्शाते हैं। आप थोड़ा सा आगे निकलेंगे पे मेला देखने वाले भी पूरा फुल एंजॉय करते हैं उनके साथ डांस करके। अरे सोमवार को जमा हो गया, छोटे से बच्चे अपना पूरा मम्मा भी आ गई। हाँ पूछो वो सर को, फोन करो मैं सलमान को। यहाँ से थोड़ा सा आगे आए और आपको सारी एक से एक के बाद एक जो भी आपको सामान लेना है उसकी दुकानें आपको दिख जाएगी। और ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है मार्बल के। यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। ये हमारे सब बच्चे यहाँ पे दो तीन जगह पे मतलब डांस वगैरह होते हैं। ये सेकंड जगह है, यहाँ हम गए जब तक फिनिश हो गया था, थोड़ी देर बाद वापस स्टार्ट हुआ। हम लोग सब पीछे हमारे बच्चा पार्टी फोटो क्लिक कर रही है। कौन से बैग बेटा? ये जूट की दुकान, ये जूट की स्थिति पर करा कहीं चलना। हाँ तो पूछ ले ना अंकल को। अच्छे अच्छे आइटम्स थे। अरे मैं तो ले लूंगी पर करेगी क्या ये तो अच्छा लगता है कुछ सामान लेने जाते जैसे दूध दही लेने जाए तो अच्छा। मम्मी अच्छा लग रहा है, ले लेते हैं। मेले में प्रवेश करके आए हैं, उसी टिकट पर आप उत्तराकाशी रंगमंच का कार्यक्रम देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत कार्यक्रम होता है, उसे आप अवश्य।
अपने को भी बैग लेके आना चाहिए था मम्मी एरिका। हमारे दोनों बैग उठाते हुए सबके, ये हम सब साथ में गए थे, दीदी है दोनों, ये अंशु है, इलिया है, वो भारती, ये सानू, वो पीछे मम्मा बैठे हैं। मैं सोफ़ा क्या है इस बार? मम्मी ये सर तो सेम पूजा आंटी जी के है। हाँ बस कलर चेंज है, सेम डिज़ाइन है, शाइन नहीं लगी भी उनके। थोड़ा हाथ लगा पे वन पार आ जो क्या खरीदा? देखिए दोनों खड़े हैं। ये हमारे पास में जो भाई साहब है उनकी पेंटिंग की शॉप है, वहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाते हैं ये। हम लोग सब वहीं बैठे थे और ये आगे हैं मेरे फ्रेंड के हस्बैंड है सतीश भैया, उनकी शॉप है ज्वेलरी की, वहाँ पे आप प्लीज़ जाइए और परचेज़ कीजिए, बहुत ही अच्छी ज्वेलरी मिलती है। बंदर ये स्पिनर से खेलता हुआ बंदर, परमानेंट शॉप है इनकी, ये हमारा अंकल, कभी भी जा सकते हो। बहुत ही सुंदर सुंदर आइटम्स मिलते हैं। रात हो गई, दिन में गए थे, रात हो गई थी। खूब सारी शॉप्स थी वहाँ पे, सूट साड़ी चादर जो चाहिए वो सब चीज़ वहाँ मिल रहा था, हर आइटम की शॉप। फिर हम वहाँ से गए नीचे, जो प्रोग्राम होते हैं वहाँ बहुत ही सुंदर प्रस्तुतियाँ होती हैं। देखिए हमारा राजस्थानी रंग, राजस्थानी डांस, Oh, my God.
ध्यान रखते हैं। बहुत सुंदर प्रस्तुति दी थी उन्होंने, बहुत अच्छी, वहाँ से हटने का भी मन नहीं करता। थोड़ी सी ही देख पाए उनकी, हम देख नहीं पाए पूरा, हम लोग वहाँ से निकल चुके थे क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था।
आ रही हूँ चलो ये कहना तो क्या करूँ। अरे इधर कहाँ जा रहे हैं ये? हम बाहर जाते हुए यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ बनी हुई है जहाँ लोग उन्हीं के साथ उन्हीं के जैसा पोज दे के फोटो क्लिक करवाते हैं। बहुत सुंदर है, हर चीज़ बहुत अच्छी है। प्लीज़ यहाँ विज़िट कीजिए अगर आप उदयपुर आते हैं तो। बहुत अच्छी जगह है शिल्पग्राम। क्या हुआ? ये फ्रूट चल रही है यहाँ पे। अब 20 रुपए दोनों है। क्या चीज? क्या चीज? आईपॉड की भी आईपॉड। ये क्या होता है? फ्रूट चल। थैंक यू भैया। भैया अंकल कहीं है तू? कहीं के बचा रहे हो? अरे अगर आप लोगों को ये मेले का जो है अच्छा लगा है मेरा वीडियो तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू जय श्री कृष्ण आप सभी को। वेलकम टू उदयपुर।